इस वक्त हम लोग शहीद द्वीप के पावर स्टेशन में खड़े हैं। ये देखिए NCL का पावर हाउस, इसमें जो आपका दो दो इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है इसके अंदर में। ये देखिए 750 मेगावाट किलोवाट का ये दो जनरल सेट है पावर से, ये आपका इसके अंदर में पता काम चल रहा है। ये देखिए काफ़ी बहुत अच्छी के तरीका से ये जो यहाँ पावर हाउस है चल रहा है। और जो छोटी छोटी मोटी जो दिक्कत हुआ था उसको हुआ उन लोगों ने, यही जो साहब उसने पूरा कर दिया है। यही साहब हमारा जो ये सामने हमारा यही साहब खड़ा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पावर हाउस के अंदर में। ये अभी देखिए नया पावर हाउस का बिल्डिंग बना है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, इसमें कंप्लेंट भी सेंटर भी है, प्लस आपका ऑफिस है, कम रेसिडेंस है। तो अभी देखिए इसका डेवलपमेंट होना, ये जो सामने में जो है इनका ये 50 लाख रुपीस का सेंक्शन हुआ है, जो यहाँ में पब्लिक के लिए एक सेट बनेगा और उस सेट के अंदर में मतलब लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, अपना जो ग्रीवेंस उसको बोलने का मौका मिलेगा। अभी PWD के पास एस्टिमेट गया है, टोटल 50 लाख का एस्टिमेट है। और ये जो हमारा यही पावर हाउस है गुरु जी उनसे, ये देखिए नया आपका ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ आके पड़ा हुआ है, यहाँ दो ट्रांसफार्मर है, यहाँ भी है। देखिए ये सब अभी आने वाले दिनों में शहीद द्वीप के सारे एरिया में लगेगा। और ये सबसे खुशी की बात है, पिछले बार जो करंट का लेके यहाँ के लोगों ने अपना जो समस्या को बताया था, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग ने जाके वहाँ पे बढ़िया से आपका सुबह से लगे रात को शाम को 2 बजे तक उनको ठीक किया। और आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और इसके साथ बहुत अच्छा है कि आइलैंड न्यूज़ द्वारा जो न्यूज़ को आप लोग को भेजा गया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पावर के तौर से, उसको माननीय मुख्य सचिव जी ने उनको सेंक्शन किया। और 1000 किलोवाट का जो एक है जेनसेट अभी आने वाला है, जेनसेट अभी हेड ओवर में पड़ा हुआ है और उसका जो पंटून यहाँ आ चुका है, और उस पंटून के अंदर में आने के बाद थोड़ा मौसम साफ होगा तो जेनसेट यहाँ पहुँचेगा। और पहुँचने के बाद में नील शहीद द्वीप के अंदर में पावर को लेकर जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी, वो जल्दी से हल हो जाएगा। तो मेरे साथ सोनिया दास रिपोर्टर, मैं अब्दुल मजीद एसोसिएटर के, ये रिपोर्ट करें। और ये देखिए बहुत पुराना आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, सामने में हमारा ये पावर हाउस है, प्रोविडेंट एरिया है, मगर यहाँ के जो जेई है, जो स्टाफ है, वो कॉपरेशन करते हैं, हर लोगों को मदद करते हैं। जेई सब हमारे सामने में खड़े हैं और गेट भी वहाँ है जो बंद हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली इसके अंदर जान प्रोविडेंट ट्रस्ट पास बिल भी प्रोड्यूस है, इसलिए हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला। हम लोग गेट के बाहर से ये सारा रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सोनिया दास जो है, जो पिछले बार ये लड़की और उनके साथ में सुनीता दास और सोनिया दास, ये जो खड़ी है वो सोनिया दास है और इनके एक सिस्टर है सुनीता दास, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया था। पिछले बार आप लोगों ने देखा कि पावर हाउस तो नील केंद्र शहीद द्वीप का, तो इससे लोगों को जो परेशानी थी उससे हल मिला। आज उसका नतीजा, इनका रिपोर्ट के नतीजा है कि आज एक नया 1000 किलोवाट का एक जनसेट आ रहा है, जिससे नील द्वीप का शहीद द्वीप का जो प्रॉब्लम है, जो पावर का प्रॉब्लम खत्म होगा। क्योंकि अभी टूरिज्म का सेशन कम है इसलिए पावर का जनरेट तो कम हो रहा है, मगर आने वाले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद में यहाँ में आपको बढ़िया से ये बनेगा, आपका होटल वगैरह बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, जो लोग आ रहे हैं टूरिस्ट, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब पावर हाउस का जो सिस्टम था, पावर हाउस का जो ये था, ये बहुत बढ़िया हो चुका है। और आने वाले दिनों में ये सारा दिक्कतें मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब्दुल मजीद एसोसिएट एडिटर अपने रिपोर्टर सोनिया दास के साथ ये रिपोर्ट आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। We'll be right back.